खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के भटिंडा जेल में कैद था, लेकिन 22 अगस्त को गुजरात पुलिस लॉरेंस को पंजाब के भटिंडा जेल से लेकर गुजरात पहुंची है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई की उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों से सांठगांठ हुई और कैसे बाहुबलियों से सांठगांठ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग लखनऊ और अयोध्या में शरण लेने लगे हैं और कैसे सिद्धू मूसेवाला और मोहाली आरपीजी अटैक की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में बैठकर ही रची गई। लॉरेंस बिश्नोई की यूपी में एंट्री से पुलिस भी हैरान है। पंजाब छात्र राजनीति की वजह से देश के नए डॉन लॉरेंस ने उत्तर प्रदेश की राह चुनी। पंजाब के फजिलका का रहने वाला और पंजाब विश्वविद्यालय का मशहूर छात्र नेता रहा गैंगस्टर लॉरेंस एक छात्र नेता की बदौलत एक नहीं बल्कि दो दो बाहुबली नेताओं के संपर्क में आया था। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन था पंजाब के फजिलका का रहने वाला वो कुख्यात गैंगस्टर जो लॉरेंस ही नहीं बल्कि राजस्थान के दुर्दांत डॉन रहे आनंद पाल और मुख्तार अंसारी का भी बेहद करीबी था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। एक तस्वीर में सफ़ेद शर्ट में डिम्पी डॉन नज़र आ रहा है, जबकि चारपाई पर केसरिया टी शर्ट में रॉकी नज़र आ रहा है। यही वो दो नाम हैं जिनकी बदौलत लॉरेंस उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ बनाने में कामयाब रहा। आखिर कैसे? आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड से लेकर मोहाली आरपीजी अटैक तक हुई दो दो बड़ी वारदातों की प्लानिंग जिस बाहुबली विकास सिंह के घर फार्म हाउस ठिकानों पर की गई, उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब के दो गैंगस्टर प्राजविंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी और जसविंदर सिंह उर्फ भुल्लर उर्फ रॉकी, ये दोनों वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड में लखनऊ जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बंद थे। यहाँ रॉकी की दोस्ती यूपी के एक बाहुबली नेता से हुई। बाद में रॉकी और डिम्पी का आपस में झगड़ा हो गया और साल 2006 में रॉकी ने चंडीगढ़ में डिम्पी की हत्या करवा दी। रॉकी पंजाब के फजिलका का ही रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई भी वहीं से ताल्लुक रखता है। रॉकी पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। विक्की मेदुखेड़ा रॉकी का ही दोस्त था जो बाद में लॉरेंस का भी करीबी दोस्त हो गया। लॉरेंस रॉकी के संपर्क में लगातार रहने लगा और उसी दौरान राजस्थान का गैंगस्टर अनंत पाल सिंह रॉकी का दोस्त बन गया। इतना ही नहीं, रॉकी ने ही यूपी के बाहुबली नेता की दोस्ती लॉरेंस और आनंद पाल सिंह से भी करवाई थी। इसी बीच शिमला से लौटते समय साल 2016 में एक टोल प्लाजा पर रॉकी की भी हत्या हो गई। रॉकी की हत्या के बाद पंजाब में रॉकी का गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाने लगा। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद राजस्थान में भी आनंद पाल गैंग की कमान लॉरेंस के हाथों में आ गई। यूपी में लॉरेंस की एंट्री रॉकी ने ही एक बाहुबली नेता के माध्यम से करवाई थी। जिस तस्कर के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार लॉरेंस के पास आते हैं वो बुलंदशहर का रहने वाला है और उसकी मुलाकात भी यूपी की बाहुबली ने लॉरेंस से करवाई। एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली विकास सिंह से लॉरेंस के गठजोड़ को तैयार करवाया। इसके बाद अयोध्या में बिश्नोई गैंग का नया गढ़ बना। यही नहीं, पहले मूसेवाला हत्याकांड की साजिश विकास सिंह के फार्म हाउस पर रची गई, फिर मोहाली आरपीजी अटैक की साजिश भी यहीं से प्लान की गई। विकास सिंह को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मूसेवाला हत्याकांड के पहले की हैं। इनमें मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी कपिल पंडित हथियारों के पूरे जखीरे के साथ बड़े आराम से विकास सिंह के ठिकाने पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तहलका मच गया है। पुलिस पूरी तत्परता से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है और पल पल लॉरेंस बिश्नोई पर नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।